वेलकम टू स्टडी अड्डा 247। दोस्तों, इस चैनल पे मैं आपको एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कराऊंगा और फिलहाल मैं सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ और बाकी के सब्जेक्ट्स का क्या होगा वो मैं आपको बाद में नोटिफाई कर दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो एसएससी सीजीएल इंग्लिश के लिए सबसे पहले हम जो है सिलेबस देखते हैं कि एसएससी सीजीएल टीयर वन में जो है कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश में। तो जैसा आपको पता होगा कि पहले जो है एसएससी सीजीएल ने अपना कोई सिलेबस जो है आउट नहीं किया था, पब्लिक नहीं किया था, लेकिन 2016 में जो है 2016 में एसएससी सीजीएल ने अपना सिलेबस आउट कर दिया था। तो ये सिलेबस में क्या क्या है उसको हम देखते हैं आगे। तो एसएससी सीजीएल टीयर वन किस इंग्लिश में क्या आता है, वो आता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आता है, साथ में स्पेलिंग एरर्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स आते हैं। एंटोनिम्स सिनोनिम इसमें जो है डायरेक्टली पूछ देता है। और नेक्स्ट इज idioms phrases एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर करेक्शन एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। अगर मार्क्स की बात करें तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वो 5 मार्क्स का, इंग्लिश स्पेलिंग एरर्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स ये तीनों मिला के आते हैं 5 मार्क्स की, idioms phrases ये होते हैं आपके 3 मार्क्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर 3 मार्क्स, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर 3 मार्क्स, एरर करेक्शन फॉर 3 मार्क्स एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट फॉर 3 मार्क्स। तो ये तो हो गई सिलेबस की बात। अब हम आगे बात करते हैं कि आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो मैं तो यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा और मैं जो पढ़ाऊँगा उसको तो आपको देखना ही है। साथ ही साथ अगर आप अपनी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छा करना चाहते हो तो आपको कुछ एडिशनल करना पड़ेगा। और वो एडिशनल क्या करना होगा, वो आपको ये करना होगा कि आपको डेली बेसिस पे जो है न्यूज़ रीडिंग करनी है। न्यूज़पेपर आपके घर आता होगा, नहीं भी आता है तो कोई एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो या फिर गूगल पे कहीं भी आप एक दो न्यूज़ की हेडलाइंस जो है देख लो, उसके अंदर के आर्टिकल्स पढ़ लो। एक दो आर्टिकल अगर पढ़ते हो तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। और फिर उसमें जो वर्ड्स होंगे, तो सेकंड पॉइंट इज़ वोकैब बिल्डिंग। तो उसमें जो वर्ड्स होंगे उनकी मीनिंग जो आपको पता नहीं है उनको आप जो है पता करो, फिर उसको लर्न करो। अगर आप डेली 5 से 10 वर्ड लर्न करते हो तो उससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट इज़ रेगुलर रिवीजन ऑफ ग्रामर रूल्स। जो भी रूल्स मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ ग्रामर के, वो सारे आपको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते रहना है। ऐसा नहीं कि मैंने आज पढ़ाया फिर आप जो है भूल गए 2 दिन बाद, नहीं। अगर आपने आज पढ़ा तो आप जो है थोड़ी देर बाद जो है कुछ दिन बाद आप उसको फिर से रिवाइज करो। एंड लास्ट इज अगर आपकी इंग्लिश मतलब कि डेली लाइफ में अगर आप यूज़ करना चाहते हो डेली लाइफ में, तो आपको क्या करना होगा कि इंग्लिश सॉन्ग सुनो, मूवीज़ देखो, मैगजीन्स पढ़ो। इससे क्या होगा, इंग्लिश जो है आपकी लाइफ में आ जाएगा और फिर आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और, इसमें मूवीज़ ये जो लत मत लगा देना कि आप जो है बैठ के सिर्फ मूवीज़ देख रहे हो, सीरियल्स देख रहे हो, ऐसा मत करना। बस इतना ही देखना जिससे आपका फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं कि हम जो है पहला जो लेक्चर होगा वो हम क्या पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा उसमें हम नाउन पढ़ेंगे। तो नाउन से हम स्टार्ट करेंगे। तो आपकी जो लेक्चर्स होंगे वो मंडे से फ्राइडे तक जो है, मंडे टू फ्राइडे चलेंगी एट 6 PM। 6 PM पे आपको लेक्चर यहाँ पे मिल जाएगा इस चैनल पे। एंड आपको जब भी ये वीडियो देखना है यहाँ पे तो एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठना है, ताकि जो भी मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे उसको आपको नोट करना पड़ सकता है, तो आप नोट कर लो उस पे आराम से। तो दोस्तों, आज के लिए मैं बस इतना ही कहूँगा। फिलहाल अगर आपको इंग्लिश की एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करनी है, इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको क्या करना होगा, इस चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना है और बगल में जो बेल आइकन है उस पर आप हिट कर दो। बेल आइकन हिट करने से क्या होगा कि जैसे ही मैं जो है कोई वीडियो अपलोड करूँगा, जैसे ही मैं लेक्चर अपलोड करूँगा, तो तुरंत आपके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा। इससे आपको कोई भी वीडियो, कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा। और कोई लेक्चर मिस नहीं होगा तो फिर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी और मार्क्स भी बहुत अच्छे आने की गारंटी लेता हूँ मैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। बाय बाय।